नमस्ते, मैं नीलम सावन स्पाइस बॉक्स गणपति स्पेशल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है खतखतम। हमारे यहाँ ये रेसिपी गौरी पूजा के दिन खासकर बनाई जाती है। इसमें लगने वाली सामग्री है 21 प्रकार की भाजी, कम से कम 1 किलो, 2 चम्मच तूर दाल पकाई हुई, 1 कटोरी किसा हुआ कोपरा, इमली 2 से 3, गुड़ 2 चम्मच, त्रिफल 10 से 12 दाने, हरी मिर्च 2 से 3, धनिया पत्ती कटी हुई आवश्यकता अनुसार, नमक स्वाद अनुसार और पानी आवश्यकता अनुसार। तो आइए देखते हैं खतखतम बनाने की विधि। ये भाजी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले सभी भाजी को एक कढ़ाई में पकाने के लिए रखेंगे। इसमें ठंडा पानी डालकर इसे पकाना होगा। भाजी को मैंने आधा पका कर रखा है ताकि हमारा समय बच सके। अब पिसा हुआ गीला कोपरा 1 कटोरी, इमली 10-12 त्रिफला को अच्छे से पीस लेना होगा। हमारा समय बचाने के लिए मैंने ये पहले से पीस कर रखा हुआ है। अब भाजी लगभग पक गई है। इसमें हम पकी हुई तुअर की दाल डालेंगे। ये भाजी सामान्यतः पारंपरिक भाजी है और लोग इस भाजी को गौरी पूजन के दिन बनाते हैं खासकर, क्योंकि इसमें 21 प्रकार की भाजियां होती हैं और हमें भोग चढ़ाने के लिए बहुत प्रकार की भाजियों की जरूरत पड़ती है। तूर दाल डालने के बाद इसमें डालेंगे गीला कोपरा, त्रिफल और इमली का मिश्रण, मतलब इन्हें मिलाकर बनाई हुई पेस्ट। इन्हें डालने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भाजी थोड़ी खट्टी सी, मीठी सी, तीखी सी और अलग स्वाद की बनती है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ 2 चम्मच और 3-4 चम्मच या ज्यादा आपके स्वाद के अनुसार कटी हुई मिर्ची। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद ऊपर से धनिया की पत्ती डालेंगे और बर्तन को 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब भाजी अच्छे से पकने लगी है। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। जल्दी से सर्विंग प्लेट में निकाल कर टेस्ट करती हूँ।